हेलो व्यूवर्स, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। देखिए, आज मैं पेश हूँ एक एक्टिविटी, मॉडल एक्टिविटी टास्क लेकर, जो कि जुलाई 2021 के लिए है। बहुत सारे हिंदी मीडियम स्कूलों में ये नहीं मिला है क्योंकि हिंदी में क्वेश्चन अवेलेबल नहीं थे, लेकिन बंगला और हिंदी मीडियम के स्कूलों में इंग्लिश तो सेम ही होता है, इसीलिए आज मैं क्लास 4 का इंग्लिश मॉडल एक्टिविटी टास्क लेकर आई हूँ। उम्मीद है आप लोगों के लिए वीडियो हेल्पफुल होगी। अगर आप लोगों को ये मॉडल एक्टिविटी टास्क मिले हैं तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं और अपने सजेशंस मुझे ज़रूर दें कि आप और कैसी वीडियोस देखना चाहते हैं। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। हो सकता है आपके लिए कोई काम की वीडियो हो, आप दूसरी वीडियोज़ भी चेक कर सकते हैं। ऊपर आई बटन पर सारे लिंक मिल जाएंगे या एंड स्क्रीन पर जाकर आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं एक्टिविटी 1। हु आई एम, मैं कौन हूँ के बारे में बताना है। ये कौन है, इनका नाम बताना है। आई हैव अ ह्यूज बॉडी, मेरी बहुत बड़ी सारा मेरा बहुत बड़ा सारा शरीर है। आई हैव अ ट्रंक, एक सूंड है। माई क्राइज कॉल्ड ट्रम्पेट, मेरी दहाड़ को कहते हैं ट्रम्पेट। आप समझ ही गए होंगे जिसकी सूंड होगी वो कौन होगे। तो इसका उत्तर है आई एम, पूरा उत्तर लिखें। आई एम एन एलिफेंट लिख सकते हैं, एलिफेंट लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते। आई एम एन एलिफेंट, या आप सिर्फ एलिफेंट भी लिख सकते हैं, लेकिन फुल सेंटेंस में आंसर देने में अच्छा लगता है। आई कैन फ्लाई, मैं उड़ सकता हूँ। आई हूट, मेरी आवाज़ को हूट कहते हैं। आई कम आउट इन द नाइट, मैं रात में निकलता हूँ। कौन है ये, आप समझ गए होंगे। आई एम एन आउल, ओ डब्ल्यू एल आउल, उल्लू है। सी आई ईट ग्रास, मैं घास खाती हूँ। आई ब्लीड, मैं आने को बोलते हैं ब्लीड, मैं की आवाज़ होती है ना। आई गिव मिल्क, और मैं दूध भी देती हूँ। तो इसका उत्तर हम लिख सकते हैं आई एम ए गोट, जी ओ ए टी, गोट। एक्टिविटी 2 देखते हैं। मेक सेंटेंस विद द फॉलोइंग वर्ड। हैप्पीनेस, हैप्पीनेस से सेंटेंस बनाना है, तो आइए सेंटेंस बनाते हैं। देखिए सेंटेंस बनाया है मैंने, हैप्पीनेस, एवरीवन नीड हैप्पीनेस इन लाइफ। क्लीन से मैंने बनाया है, वी शुड वियर क्लीन क्लोथ्स, अवॉइड, वी शुड अवॉइड स्मोकिंग। आप इसके अलावा अन्य सेंटेंस भी बना सकते हैं, वो भी सही होंगे। आप अपनी क्रिएटिविटी इस्तेमाल कीजिए, अपने दिमाग से इससे भी अच्छे सेंटेंस आप बना सकते हैं। आइए अगली एक्टिविटी देखते हैं, एक्टिविटी 3। इस मॉडल एक्टिविटी टास्क की आखिरी एक्टिविटी है। रीड द फॉलोइंग वर्ड एंड फिलिंग द टेबल, इन शब्दों को पढ़ो और कॉमन जेंडर न्यूट्रल जेंडर को अलग करो। कॉमन जेंडर जो स्त्री भी हो सकते हैं, पुरुष भी हो सकते हैं, और न्यूट्रल जेंडर ऐसे जेंडर हैं जिनमें जान नहीं होती है, ठीक है ना। तो आइए करते हैं। देखिए यहाँ गर्ल लिखा हुआ है, तो गर्ल तो कॉमन जेंडर में भी नहीं आएगा, न्यूट्रल जेंडर में भी नहीं आएगा, ऐसा मेरा मानना है। आप क्या मानते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। यहाँ शायद प्रिंटिंग में कुछ मिस्टेक हो गई है, इसीलिए मैंने GIRL गर्ल कर दिया। यहाँ पे क्या है आप मुझे प्लीज़ सजेस्ट करें। अच्छा, दूसरा नंबर देखते हैं, बॉटल, बॉटल में जान नहीं होती है तो वो न्यूट्रल जेंडर में आ जाएगा। मड, मड भी न्यूट्रल जेंडर में आएंगे। प्लेयर, खिलाड़ी कोई भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है और लड़का भी हो सकता है। पुलिस में भी लड़की भी हो सकती है और लड़का भी हो सकता है। और ब्रिक, ब्रिक में तो मतलब ईट, ईट में जान नहीं होती तो न्यूट्रल जेंडर। इसके बारे में आप कमेंट करके ज़रूर बताएं मुझे। इसी के साथ आज की वीडियो यही हमारी समाप्त हो रही है। मॉडल एक्टिविटी टास्क बस इतना ही था। अगर आपको ये मॉडल एक्टिविटी टास्क मिला है तो मुझे कमेंट करके बताएं। लाइक करें इस वीडियो को अगर हेल्पफुल हो आप लोगों के लिए, शेयर करें उनके साथ जिन्हें इनकी ज़रूरत है। आपके वीडियो लाइक करने से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है और मैं आपकी हेल्प के लिए तत्पर रहती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।